नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सहारनपुर की। आपको बता दें कि यहां पर सहारनपुर में जो है इस बार आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरा देश आज़ादी के महोत्सव में रंगा हुआ नजर आ रहा है और पूरा देश इस बार तिरंगा में नजर आया। सभी ने पूरे देश में यहाँ पर मिलजुल कर तिरंगा लहरा कर और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर झंडा आरोहण कर देश में यहाँ पर आज़ादी के जश्न को मनाया है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर कस्बा बेहट में 101 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर धूमधाम से जो है आज़ादी के जश्न को मनाया गया और साथ ही आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि बेहट में 101 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया है, जिसको देखने के लिए भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर कोई इस बार जो है अब देश की आज़ादी के जश्न को धूमधाम से मना रहा है। और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के एक छोटे से गांव नादराणा की, जहां पर मदरसे के सभी बच्चों ने और साथ ही यहां पर इकट्ठा होकर आज झंडा फहराकर देश की आज़ादी के जश्न को मनाया है। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर धूमधाम के साथ ही इस पूरे जश्न को मनाया जा रहा है, पूरा देश तिरंगा में नजर आ रहा है। लेकिन जैसे कि यहाँ पर आपको जो है बता दें कि जिस तरीके से मदरसे के बच्चों ने यहाँ पर प्रभात फेरी निकाली और इस पूरी यहाँ पर रैली में काफ़ी संख्या में छात्र और छात्राएं शामिल रही। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर तिरंगा फहराकर जश्न मनाया गया, क्योंकि आज़ादी का जश्न हर कोई इस बार बड़ी ही धूमधाम से मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अमृत महोत्सव के तहत इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव को सफल बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई और 75वां स्वतंत्रता दिवस इस बार हर किसी ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया, चाहे वो मदरसा रहा हो या फिर सरकारी शिक्षण संस्थान हो या कोई भी यहाँ पर कंपनी हो, तो सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और चलिए बात करेंगे अब हरिद्वार के। आपको बता दें कि यहाँ पर आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और धर्मनगरी हरिद्वार में भी अमृत महोत्सव को लेकर काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोगों में उत्साह देखा गया। योग गुरु बाबा रामदेव ने मदरसा इस्लामिया अरबिया कुरान बोड़ा हेडी में झंडा फहराकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश दिया। पतंजलि योगपीठ के मदरसे तक यहाँ पर योग गुरु बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण सहित पतंजलि योगपीठ की यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली और मदरसे में ध्वजारोहण किया गया। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा केवल 15 अगस्त तक सिमट करके न रह जाए। मैं चाहता हूं 365 दिन हर घर पर, हर मठ मंदिर मस्जिद गिरजाघर पर, हर गुरुद्वारे पर, हर हमारी छत पर और हमारे दिल दिमाग में 365 दिन तिरंगा रहना चाहिए। यह अभियान अब टूटना नहीं चाहिए, अखंड रहना चाहिए। और चलिए बात अगली खबर की करेंगे। आपको बता दें कि जहां एक तरफ आजादी की 75वीं वर्षगांठ को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और सभी राजनीतिक दल तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं भारतीय किसान यूनियन भानु ने भी यहां पर आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर लक्सर में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय महासचिव नितिन नीलू के नेतृत्व में लक्सर नगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। देश को आजादी दिलवाने वाले वीरों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तिरंगा का जो अभियान चला रखा है, हम उसमें किसान यूनियन वाले सब सहयोग कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, तो उसी हिसाब से भारतीय किसान यूनियन भानु भी अपने स्तर पर तिरंगा यात्रा निकाल रही है। तिरंगा का जो अभियान चला रखा है, हम उसमें किसान यूनियन वाले सब सहयोग कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, तो उसी हिसाब से भारतीय किसान यूनियन भानु भी अपने स्तर पर तिरंगा यात्रा निकाल रही है। और चलिए बात अब मध्य प्रदेश के भोपाल की करेंगे। राजधानी भोपाल के दो किन्नर समुदाय बुधवारा और साथ यहाँ पर मंगलवारा में धूमधाम से भुजरिया का एक त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। ऐसा माना जाता है कि जब राजधानी भोपाल में पानी की किल्लत थी,
तब भोपाल नवाब सभी यहां पर दूर इबादत करने के बावजूद भी पानी नहीं गिर रहा था। तब किन्नरों से यहां पर सगुना समुदाय ने यहां पर अपना दुपट्टा जो है गीला किया, उसके बाद चटका दिया था, जिसके बाद बताया जा रहा है कि अच्छी बारिश हुई थी और तभी से राजधानी भोपाल में बड़े धूमधाम से दरिया का त्यौहार मनाया जाता है। आज हमारा भुजरियों का कार्यक्रम है और हम बहुत खुश हैं आज कि हमारा ये जो हमेशा की तरह इस बार भी मनाया जा रहा है कि दो तीन साल से हमारा भुजरियों का फेस्टिवल नहीं मना रहे थे हम लोग, और ये फेस्टिवल हम लोग बहुत अच्छे से मना रहे हैं। इस बार हम लोग को बहुत खुशी है कि ये हर बार की तरह इस बार भी मना रहे हैं हमारी भुजरियों। राजधानी भोपाल में आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने झंडा फहराया और मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ध्वजारोहण किया। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, पूर्व मंत्री गोविंद सिंह सहित कई कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजधानी में हो रही लगातार बारिश का भी देशभक्ति पर कोई असर नहीं दिखाई दिया है। देश प्रेम के लिए जोश और साथी जुनून राजधानी में देखने को मिल रहा है। लाखों की तादाद में लोग रोड पर उतरे और साथ ही इस पूरे जश्न में शामिल हुए। और मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि यहां पर शिवराज कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने आपको बता दें कि यहां पर तिरंगा ध्वजारोहण किया है और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर प्रदेश के 31 जिलों में मंत्री ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए, जबकि राज्य के अन्य 21 जिलों में यहाँ पर कलेक्टर ने ही झंडा लहराया है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर समारोह जिला मुख्यालय पर संपन्न हुआ। झंडा वंदन के बाद ही परेड की सलामी दी गई और प्रदेश के सभी मंत्रियों ने अपने अपने प्रभार वाले जिले में ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी कार्यालय भोपाल में झंडा फहराया और साथ ही मुख्यमंत्री ने यहाँ पर वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध और शक्तिशाली भारत निर्माण में सभी से सर्वश्रेष्ठ योगदान देने की अपील की। सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम संकल्प लें कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के महायज्ञ में एक वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें और आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में पूरी क्षमता से जुटें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर घर घर तिरंगा लहरा रहा है। यह आजादी के बाद पहला ऐसा 15 अगस्त है जब हर घर में तिरंगा है। नया भारत मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ और सबका विकास के मूल मंत्र को तेजी से चलाते हुए आज एक भारत और श्रेष्ठ भारत की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और छतरपुर जिले के यहाँ पर बड़ा मलहरा नगर के हनुमान बाघ मंदिर प्रांगण में यहाँ पर प्रारंभ होकर विशाल नगर में यहाँ पर पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर संपूर्ण भारत में जो है बताया जा रहा है कि हर किसी ने आज़ादी के इस पर्व में हिस्सा लिया और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर देश की आज़ादी के इस पूरे का जो है जश्न को धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों और साथ ही कर्मचारी हों या फिर समाज सेवी, सभी अपना बढ़ चढ़ कर योगदान दे रहे हैं। आप बता दें कि यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ स्कूली बच्चों के साथ विशाल पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई। और चलिए बात अब हरिद्वार की करेंगे। आपको बता दें यहाँ पर लंपी वायरस की दस्तक से पशुपालन विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। वायरस से गुजरात और राजस्थान में हजारों पशुओं ने यहाँ पर अपनी जान गंवा दी है। हरिद्वार जिले के लक्सर, भगवानपुर, बहादुराबाद सहित नारसन ब्लॉक में भी लंपी वायरस से 36 से भी अधिक पशुओं की मौत हो चुकी है। 1200 से भी ज़्यादा पशु इस बीमारी से जो है संक्रमित हैं और बताया जा रहा है कि पशुओं में यहाँ पर लंपी वायरस बीमारी के चलते दूध उत्पादन में भी 10% की कमी देखी जा रही है। ये जो वायरस चल रहा है लंपी वायरस, इसमें तो जो अभी विभाग तो जो कागजों में ही है जी,
कहीं आज वहाँ लगाया वहाँ लगाया, कोई धरातल बताया नहीं, कोई हवाई बातें बोल रहे बस। और जो है ये लंपी वायरस जो है बहुत जल्दी फैल रहा, हमारे चाहते अब तो आ चुका है लेकिन हमारे गांव में बहुत जल्दी आने वाला, और ना ही हमारे गांव में कोई कैंप लगा अभी तक, ना ही कोई टिक्के लगे डंगरों का। और जो भी बहुत से किसान जो बचे परेशान है इस वजह से कि भाई टिक्के लगे अभी तक बीमारी आने का खतरा, किसी के पास एक ही गाई है किसी के पास दो हैं, सब जो अपना दूसरा व्यापार कर रहे बेचारे अपना कमाई का साधन है और परेशान है बहुत, और लेकिन सरकार इस बारे में कुछ सोच ही नहीं। लेकिन इसके अंदर साथ साथ जो शरीर के ऊपर लंपी इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर शरीर में लंप बन जाते हैं नोड्यूल्स, अंग्रेजी में लंप का मतलब ये हो गया कि छोटे छोटे वो फफोले जैसे दाफड़ जैसे हो जाते हैं, तो उसको लंपी इसलिए इसका नाम पड़ा है। हरिद्वार में अभी तक जो है लगभग 1200-1250 अफेक्टेड एनिमल्स हैं, 1241 आंकड़ा हमारे पास है, और 36 अभी तक डेथ हो चुकी है उसके अंदर, और हमारे द्वारा जो 32 कैंप लगाए गए हैं और लगभग 1000 के आसपास पशुओं का इलाज जो है उन कैंपों के माध्यम से किया गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में आपको बता दें कि यहाँ पर जो है लोगों में काफ़ी जो है पशुओं में बढ़ती बीमारी को लेकर जो है डर का माहौल भी देखा जा रहा था, साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से, और चलिए बात अब अगली खबर की करेंगे, आपको बता दें कि यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी यहाँ पर जो है आज़ादी की वर्षगांठ को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। लक्सर तहसील मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाया गया है। कई विभागों के कर्मचारियों ने स्कूली छात्रों के साथ हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और साथी वंदे मातरम के नारे लगाकर प्रभात फेरी निकाली। निर्धारित समय पर SDM गोपाल राम बिनवाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इस मौके पर SDM ने यहां पर आज़ादी की लड़ाई के महानायकों को भी नमन करते हुए कहा कि यहां पर जिन शहीदों की बदौलत हम आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज यहाँ पर तहसील प्रांगण में झंडारोहण के उपरांत यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस का ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, और निश्चित रूप से स्वतंत्रता दिवस पर हमें देश के जो वीर सपूत हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है उनको नमन करने का अवसर है और उनसे सीख लेने का अवसर है, और देश में हमारी जो संप्रभुता है वो बनी रहे, भाईचारा एकता शांति बनी रहे, इस उम्मीद के साथ आज आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर मैं सभी को पुनः बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ। चलिए बात मंडला की करेंगे, आपको बता दें यहाँ पर मंडला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर एक ग्राम हृदय नगर नर्मदा मंदिर के पास की यहाँ पर रहने वाली मीनाबाई टूटे फूटे मकान में रहने को मजबूर है। एक तरफ शासन प्रशासन आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है फिर भी इस महिला की सुध लेने वाला कोई नहीं। सवाल यह है कि क्या हमारी संबंधित यहाँ पर जवाबदारों या फिर जनप्रतिनिधि अधिकारी अपने क्षेत्र का निरीक्षण कर कोई भी सूची तैयार करते हैं या नहीं? यदि करते हैं तो आज गरीबी का सामना कर रही महिला जिसका एकमात्र सहारा पति भी इस दुनिया में नहीं है और महिला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले घर से भी वंचित है, साथ ही शौचालय का भी यहाँ पर सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का क्या फायदा और क्या वाकई में सरकारी योजनाओं का जनता तक सीधा फायदा पहुंच रहा है या नहीं? ऐसे तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। और चलिए बात अब अगली खबर की करेंगे, आपको देखिए यहाँ पर जो है मंडला में यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए यातायात थाना प्रभारी ने कबाड़ से जुगाड़ कर रोबोट को तैयार किया है जिसका पहला परीक्षण भी मंडला की चिलमन चौक में किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पर आने वाले दो पहिया और साथ ही चार पहिया वाहन चालकों को ट्रैफिक सिग्नल के भी यहाँ पर नियम समझ में नहीं आ रहे थे। ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए यातायात थाना प्रभारी ने रोबोट तैयार किया है जिससे लोगों ने यहाँ पर काफ़ी पसंद भी किया, और इससे बनाने वाले यातायात विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर अगर इससे थोड़ी सी यहाँ पर लोगों में जागरूकता आ गई तो मेरा इसे बनाने का प्रयास भी सफल होगा। एक्चुअल में क्या है कि मेरा इसको बनाने का उद्देश्य ये था कि जब भी हम कोई नवाचार या कोई नई चीज़ें करते हैं तो लोग उसके प्रति अट्रैक्टिव होते हैं। जैसे इंदौर में एक रोबोट बना हुआ है जो IIT के इंजीनियर्स ने बनाए हुए हैं, लगभग 30 लाख रुपए की लागत से बना हुआ है। तो मैंने भी एक प्रयास किया कि एक रोबोट, मैं बहुत दिनों से काम कर रहा था इससे, मैंने एक रोबोट बनाया जो छोटी मोटी घर की चीज़ों को लेकर और टाइमर वगैरह यूज करके उसको बनाया है। ये बिल्कुल उसी जैसे काम करता है लेकिन वो थोड़ा सा अलग है और ये अलग है, लेकिन हमने अभी परीक्षण में देखा कि लोग इसको देखकर अट्रैक्टिव हो रहे हैं, लोग इसका जो सिग्नल दे रहा है उसको पालन कर रहे हैं, और मंडला जैसे ज़िले में जो एक
कहेंगे कि बहुत पिछड़ा जिला भी कह सकते हैं, ग्रामीण अंचल है, यहाँ पर लोग शहर में आते हैं, ट्रैफिक सिग्नल समझ नहीं पाते हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि लोग ऐसी चीज़ को देखकर सिग्नल को समझें, सिग्नल का पालन करना सीखें, यातायात नियमों का पालन करना सीखें। और मेरे इस चलिए बात अगली खबर की करेंगे। आपको बता दें कि सरस्वती शिशु मंदिर ने यहाँ पर हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के तहत स्कूली बच्चों के साथ मिलकर यात्रा निकाली थी। और आपको बता दें कि नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई स्कूली बच्चों ने यहाँ पर भारत माता के जयकारों से भी यहाँ पर पूरा इलाका गूंज रहा था। तिरंगा यात्रा को धूमधाम से निकाला गया, जिसमें घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा फहराने को लेकर भी नगर के लोगों को जागरूक किया गया था। और आपको बता दें कि यहाँ पर देश की आज़ादी को लेकर हर कोई इस बार जो है अलग ही और अनोखे तरीके से सभी ने यहाँ पर जो है आज़ादी के जश्न को मनाया है। और चलिए बात अब सागर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर सागर जिले की गोरझा मर पुलिस थाना अंतर्गत बीते रोज एक नवविवाहिता पत्नी ने यहाँ पर जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है गोरझामर थाना अंतर्गत ग्राम चक चरगवा निवासी पुष्पेंद्र बिलथीरे की पत्नी गीताबाई, जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है, और साथ ही बताया जा रहा है कि वो रक्षाबंधन पर अपने मायके जाने की जिद कर रही थी और पति ने उसे जाने नहीं दिया, और जिसके बाद उसने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। क्यों लेके आ रहे थे, क्या आपको लगा कि आपको अस्पताल लेके आ रहे? नहीं तो कुछ नहीं सर, हमें लगा कि हमारे लिए दवाई बस आ रही थी थोड़ी सी। हाँ। तो हमने सोचा, हम घर पहुंचे कि इसने दवाई पी ली, तो हमने सोचा, हमने छोटे भाई से कहा हिमांशु से, हमने कि भैया इसने दवाई पी ली तो आप ट्रैक्टर में बिठा रहे हो, लेके जा रहे गोल यहाँ। हाँ तो इतने पढ़ने दवाई तो गड्डी बढ़ा गया, उतने पापा गाड़ी लेकर पहुँच गए थे हमारी। तो खत्म कहाँ हो गई थी, वहीं घर पे के यहाँ? नहीं नहीं यहीं पे, वहीं अस्पताल में। क्या बताई है कि हम लोग आए घर ताके थे इस संगोल जामा, तो ना ऐसे जगह है वापस, तो कही जो है उल्टी करत मिली है। हाँ तो फिर उल्टी करने के बाद उन लोगों को साई नहीं जी को दवाई, तो दवाई बसावे के फिर भी ट्रैक्टर में एक्टर ढूंढने के अभी तक ठीक नहीं होने, या तो अस्पताल भागो। बीच में गाड़ी इनकी पकड़ी गई, घंटा भर में बहुत खराब भाव है, तो लोग अस्पताल ले आ जाते, तो वो सर जान बच जाती। इसकी बात हाई हमारे पास बातचीत कर चलिए बात शिवपुरी की करेंगे। आपको बता दें कि भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश आज़ादी का अमृत महोत्सव इस बार बड़ी धूमधाम से मनाया गया, और वहीं घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा फहराने की मुहिम में भी यहां पर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के यहां पर मुस्लिम समाज के लोगों को यहां पर तिरंगा फहराने का संदेश देने को लेकर शहर के मुख्य मार्गों से तिरंगा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें मुस्लिम समाज के सैकड़ों युवा हाथों में तिरंगा लेकर निकले, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे, और तिरंगा यात्रा में शहर काजी वली उद्दीन अहमद ने भी शिरकत की, और देश में शांति और साथी सद्भावना के साथ आज़ादी का 75वां स्वतंत्र दिवस मनाने की लोगों से अपील की गई थी, जो कि शांतिपूर्वक मनाया गया। चलिए बात विदिशा की करेंगे। आपको बता दें कि विदिशा में लगातार 6 बार यहां अलग अलग वार्डों से पार्षद चुनकर आए, और साथ ही मध्य प्रदेश के इतिहास में अपना नाम अंकित कराने वाले नगर परिषद सिवनी में यहां पर आज अध्यक्ष बनने वाले शफी खान से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। यूनि जिला के यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आनंद पंजवानी जी, इनके द्वारा भी बहुत सहयोग और अथक परिश्रम से शफीक भाई को विजयी बनाने में सहयोग रहा है, इनको कैसा समर्थन मिला और कितनी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा? सर शुभम जी, सबसे पहले तो मैं शहर की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिया, और मेरा अकेले का नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे नगर अध्यक्ष, पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता की मेहनत थी, जिसके वजह से ये परिणाम आए। कहीं ना कहीं आज मैं इस शहर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो माहौल इस पूरे नगर पालिका चुनाव के दौरान विपक्ष ने बना के रखा था, जो भाईचारे को ख़त्म करने का प्रयास किया गया था, ये जो बहुमत और जो मैंडेट है, ये जवाब है उन लोगों को, जिन लोगों ने ये चाह रहे थे कि ये शहर हिंदू मुस्लिम के नाम पर बढ़ जाए। और मैं इस बात को भी आपके साथ आज मैं खड़ा हूँ तो मुझे भी गर्व हो रहा है कि जब आज हमारे अध्यक्ष शफीक खान और उन्होंने जब आपसे आपने पूछा कि आप पहला कार्यकाल क्या करेंगे,
उन्होंने बताया कि मैं मठ मंदिर से अपने कार्य की शुरुआत करूंगा। मुझे कहीं ना कहीं अपने आप में गौरवान्वित महसूस होता है कि हमारे शहर की जनता ने ऐसा अध्यक्ष चुनी। मतलब टोटल अब विकास की राजनीति होगी यहाँ, 100% विकास की बात होगी। यहाँ पे कोई धर्म, कोई जात, कोई पात की बात नहीं होगी, क्योंकि हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों जनता के नेता हैं और जनता ने उन्हें चुन के भेजा यहाँ कार्य करने के लिए, ना कि यहाँ धर्म और जात के नाम पे बांटने के लिए। मतलब अपन हर वार्ड में, जिन वार्डों में अपने पार्षद नहीं भी आए, जिन वार्ड में विपक्ष के पार्षद बैठे हैं, उन वार्डों में भी अपन बिना भेदभाव के। देखिए, सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी तो उन्हीं वार्डों में बनती है, क्योंकि हमें वहाँ पे, अगर वहाँ पे मैंडेट नहीं मिला है तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि हमें मैंडेट क्यों नहीं मिला है। सबसे पहले तो हमें वहीं काम करना पड़ेगा जहाँ पे हमें जनता ने हमें नकारा है। तो हम चाहते हैं कि 24 वार्ड हमारे साथ रहें, और जो भी पार्षद चुन के आए, कोई कांग्रेस भाजपा से बाहर हटके, ये चूँकि शहर विकास की बात है, हमारे जो अध्यक्ष हैं शफीक पार्षद बहुत लोकप्रिय हैं, और आप देख रहे हैं किस तरीके से जनता के द्वारा उनको प्यार मिल रहा है। तो ये पूरे शहर की जनता है, यहाँ कोई वार्ड वाली और कोई कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है। भविष्य के विधानसभा चुनाव को आप कैसे देखते हैं, इस नगर परिषद के चुनाव में जो सफलता मिली उसकी दृष्टि से? देखिए, शहर कहीं ना कहीं या सिवनी विधानसभा के लोग इस बार मन बना चुके हैं, और ये जो परिणाम आए हैं, चाहे आप जनपद में देखें, जिला पंचायत में देखें या नगर पालिका में देखें, ये परिणाम इस बात को दर्शाते हैं कि जनता ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को नकार चुकी है। और कहीं ना कहीं जो हमारे प्रदेश के नेता हैं माननीय कमलनाथ जी, उनके साथ जनता उनके पीछे चलने को तैयार है, और पूरे प्रदेश की जनता, सिर्फ सिवनी की नहीं, पूरी जनता ये चाहती है कि वो एक बार फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लें। धन्यवाद। ये हमारे साथ में जुड़े थे आनंद जी, जैसे स्वर्गरत आज हमारे साथ में, मध्य प्रदेश के इतिहास में आज अपना नाम अंकित कराने वाले हमारे साथ में जुड़े हैं शफीक भाईजान, जिनका मतलब अल्पसंख्यक समुदाय का एक ऐसा चेहरा जो 6वीं बार पार्षद चुन के आने के बाद जनता ने इन्हें मैंडेट दिया और ये नगर परिषद सिवनी के अध्यक्ष बनते हैं। मतलब आप कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसा आप ये जनता को सेवा देंगे, और आपको कैसा जन समर्थन मिला? मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मेरे को, मैं इस लायक रहा हूँ कि मैं शहर के लिए और शहर की समाज ने, जैसे हर समाज के बरकरार ने मेरे को बहुत चाहा है 94 से, क्योंकि पहली बार मैं नेहरू वार्ड का पार्षद बना, फिर गुरु नानक वार्ड का पार्षद बना 94 में, मैं 2004 में मैं गांधी वार्ड का पार्षद बना, 2009 में गांधी वार्ड का पार्षद बना, 2014 में मैं भगत सिंह वार्ड का पार्षद बना, फिर 2022 में गांधी वार्ड का पार्षद बने। मतलब अलग अलग वार्ड से आपने चुनाव लड़ा और अलग अलग वार्ड से आपको अच्छा जन समर्थन मिला? अलग अलग वार्ड से, यहाँ जब भी मैंने चुनाव लड़ा हूँ, मैंने सभी लोगों की जमानत जब्त कराया हूँ, और भारी मतों से मेरे को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, भारी मतों से मेरे को अधिक मतों से दिया, जिसमें 100% जिसको वोट बोलते हैं उसमें मैंने 70% वोट लेके भारी मतों से मैंने चुनाव जीता हूँ, और सभी की जमानत जब्त कराए हूँ अभी तक। शफीक जी, आप कैसी सेवा देंगे अभी जो नगर परिषद में जनता ने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया और आप चुनकर आए हैं, और विपक्ष के आप अभी वर्तमान में सत्ता जो है यहाँ भारतीय जनता पार्टी की, और विपक्ष से आप चुनकर के आए हैं, आपको मतलब कैसी सेवाएँ आप देंगे समाज को और सिवनी को अपनी? विपक्ष तो मैं मानते ही नहीं, क्योंकि मैं बीजेपी के अध्यक्षों के साथ, तीन अध्यक्षों के साथ बैठ चुका हूँ, और दूसरी चीज़ है कि मेरे को पब्लिक का सपोर्ट है, शहर की मेरी पब्लिक, चाहे हर समाज का आदमी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा सीधा साधा आदमी हूँ, मैं काम में विश्वास रखता हूँ, और जिस विश्वास से मेरे को कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी का, और कमलनाथ जी का आशीर्वाद है मेरे को, पप्पू खुराना जी का आशीर्वाद है मेरे को, नानू पंजवानी का आशीर्वाद है मेरे को, मेरे गुरु राजकुमार पंजवानी से मैंने सब चीज़ सीखा हुआ हूँ मैं, और राजा बघेल जी, इन लोगों से मैं अनुभव प्राप्त हूँ मैं। मेरे को कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है इस नगर पालिका के अंदर में। आज मैं जिस दिन मैं शपथ लूँगा उस दिन मैं, आप काम की शुरुआत कहाँ से करेंगे और आपका पहला कार्य कौन सा होगा जो आप सिवनी में एक मैसेज देना चाहते हैं, मतलब जो हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे में जो एक बहुत बड़ी खाई सिवनी जो है सांप्रदायिक तनाव के मामले में बहुत चर्चित रहता है, आप कैसा इसको पूरा करेंगे इस हिंदू मुस्लिम भाईचारे की खाई को? मैं हिंदू मुस्लिम के तो भाईचारे को मानते ही नहीं, क्योंकि मेरे को तो हिंदू बहुत लाइक करते हैं, मगर हाँ, जो आप जो पूछ रहे हो कहाँ से काम प्रारंभ चालू करोगे, तो सब में पहले मैं मठ मंदिर का जो है प्रांगण, जो मैंने वहाँ गट्टू लगाऊंगा, बाउंड्री वाल मठ तालाब की बनाऊंगा, जहाँ श्रद्धालु लोग जो मठ मंदिर जाते हैं वो उनको ऐसा लगेगा कि हम मठ मंदिर आए हैं, और वहाँ पर सिर्फ गार्डन भी मिलेगा और घूमने का स्थान भी मिलेगा। और दूसरा मेरा जो है, एक मोहम्मदिया मस्जिद है भगत सिंह वार्ड में, वहाँ का भी मैं काम
जल्द चालू करूंगा। मैं एक ही दिन भूमि पूजन करूंगा, जहां भी करना रहेगा। मठ मंदिर भी मेरे लिए अलग घर है। और चलिए बात अब विदिशा की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर ग्राम पंचायत खडीर में ग्राम सरपंच श्रीमती उमापति सुरजीत सिंह दरबार ने यहाँ पर ग्रामीण और साथ ही स्कूल के बच्चों के साथ पूरे गांव खडीर में यहाँ पर पैदल चलकर तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में कई लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तिरंगे का मान सम्मान किया और स्कूल के सभी बच्चों ने यहाँ पर गली मोहल्ले में यहाँ पर घूमते हुए स्कूल में जाकर ही भारत माता की जयकार जोर जोर से नारे लगाए और साथ ही इस यात्रा को वहाँ पर समाप्त किया। और चलिए बात अब पिथौरागढ़ की करेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर ऐतिहासिक देव सिंह मैदान में 75 तिरंगे फहराने का दृश्य अद्भुत नजर आया है। डॉक्टर आशीष चौहान जिलाधिकारी ने यहां पर बताया कि जनपद के समस्त पिथौरागढ़ के नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं और अपने नागरिकों से यहाँ पर अपेक्षा करते हुए कि पूरे राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देंगे, आने वाली यहाँ पर पीढ़ियों को बेहतर भविष्य के लिए फ्यूचर क्रिएट करेंगे। शहीद स्मारक समेत तमाम जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। 75वें स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मैं समस्त पिथौरागढ़ के नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं और हम ये अपेक्षा करते हैं अपने नागरिकों से कि हमारे जनपद एवं पूरे राष्ट्र के विकास में वो अपना योगदान देंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर फ्यूचर क्रिएट करेंगे। नोएडा की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर नोएडा मुकबधिर सभा के यहाँ पर द्वारा ही सेक्टर 14 नोएडा के पार्क में यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कुंवर बिलाल बरनी ने ध्वजारोहण किया, साथ ही राष्ट्रीय गान के बाद ही हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस अवसर पर कुंवर बिलाल बरनी ने संबोधित करते हुए कहा है, भारत की स्वतंत्रता के लिए अमर शहीदों ने यहाँ पर अपने प्राणों का बलिदान दिया था, अब हम सभी यहाँ पर भारतवासियों का कर्तव्य बनता है कि यहाँ पर देश की एकता अखंडता संप्रभुता को बनाए रखें। हमारा देश विभिन्न वेशभूषा भाषाओं और धर्मों के होने के बावजूद अनेकता में एकता का सुंदर उदाहरण है। देश को समृद्ध शक्तिशाली और साथ ही उन्नति के शिखर पर पहुंचाने के लिए हम सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा। चलिए बात लालकुआं की करेंगे। आपको बता दें कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और इस यहाँ पर क्रम में नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लालकुआं में भी यहाँ पर ध्वजारोहण के साथ ही स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा और साथ ही सामान्य प्रबंधक यहाँ निर्भय नारायण सिंह के भी अलावा दुग्ध संघ का भी संपूर्ण स्टाफ मौजूद रहा। इस दौरान यहाँ पर दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सबसे पहले क्षेत्रवासियों और साथ ही देशवासियों को यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में भी यहाँ पर डेयरी ने बहुत ही एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और 1,25,000 लीटर से भी अधिक का यहाँ पर दूध विक्रय किया है। इसी अमृत महोत्सव के हमारे सामान्य प्रबंध कमेटी से भी बात हुई थी, माननीय अध्यक्ष जी से भी बात हुई थी कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनका वेतन भी वृद्धि किया जाए जिससे उनका मॉरल बूस्ट हो और जो हमारा 1,25,000 लीटर पर डे बेचने का लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सके और समिति ये जो हमारा दुख संघ है इसके रिनोवेशन के लिए भी अपने के साथ बैठ के ये कोशिश करूँगा कि बिल्कुल मॉडर्न डेयरी स्थापित हो जिससे हमारे उत्पादकों को भी उसका आर्थिक लाभ मिले और हमारे कर्मचारियों को भी फायदा हो और एक अच्छे क्वालिटी का दूध और दूध का जो प्रोडक्ट है वो हम बाज़ार में उपभोक्ता करेंगे क्योंकि जिस हिसाब से हमारे कामगार मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से और महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए हमने 1,000 रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया क्योंकि नियमित कर्मचारियों का तो महंगाई के हिसाब से भत्ता बढ़ता है लेकिन उनका कोई वेतन नहीं बढ़ता, इसलिए हमने आज 75वें स्वतंत्रता दिवस पर उनको एक तोहफे के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि नीचे के स्तर के व्यक्ति को ऊपर उठाना है, उसको आगे बढ़ाना है, उस संकल्प को दोहराते हुए हमने आज ये निर्णय लिया है और इसकी घोषणा मैंने की है और मैं 5 अगस्त से इसको लागू करूंगा, ऐसा मेरा प्रयास है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।